नमस्ते, हेलो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑनलाइन रेडियो कैसे सुनते हैं। मेरा नाम एकता है। पर ऑनलाइन रेडियो क्यों? देखिए, पहले अगर रेडियो सुनना होता था तो ट्रांजिस्टर या रेडियो के डब्बे को साथ लेकर घूमना पड़ता था। गाड़ी में रेडियो सुन तो सकते थे, लेकिन वही गिने चुने रेडियो स्टेशन होते थे। लेकिन अब आप मोबाइल या पीसी से ऑनलाइन जाकर रेडियो सुन सकते हैं और अपने देश या अपने शहर के अलावा भी पूरी दुनिया के रेडियो स्टेशंस सुन सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शहर से हैं, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, और अब आप कहीं और रहते हैं, किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे देश में, तो भी आप अपने शहर के रेडियो चैनल आसानी से सुन सकते हैं अपने मोबाइल या पीसी से। अब अगर आप इंटरनेट से रेडियो स्ट्रीम कर रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर कनेक्शन स्लो होगा तो रेडियो ठीक से स्ट्रीम नहीं होगा या बीच बीच में ऑडियो बफर होते रहेगा। दूसरी बात, अगर आप अपने स्मार्टफोन पर ऑनलाइन रेडियो सुन रहे हैं तो अच्छे वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करिए, या फिर आपके फोन पर कम से कम 3G कनेक्शन होना चाहिए, वरना ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या ऑडियो चलेगा ही नहीं। पहले सीख लेते हैं कि पीसी से ऑनलाइन रेडियो कैसे सुनते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास ऑडियो आउटपुट के लिए या तो हेडसेट होना चाहिए या फिर स्पीकर्स होने चाहिए। मैं आपको ऑनलाइन रेडियो खोजना सिखा देती हूँ। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाली हूँ और उसके बाद हम इंडिया के रेडियो चैनल्स ऑनलाइन सुनना सीखेंगे। यहाँ मैं गूगल में हूँ। अगर आप गूगल में टाइप करते हैं रेडियो ऑनलाइन और एंटर पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग रेडियो के स्टेशंस मिल जाएंगे, जैसे कि ये इंटरनेट रेडियो, हम इसे खोल लेते हैं, ट्यून इन, और फिर है ये है लाइव 365, और आगे गए रेडियो ट्यूना, onlineradios.in। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर 46,000 या 46,000 से भी ज़्यादा रेडियो स्टेशंस यहाँ पर दिख जाएंगे। आप यहाँ पर खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कौन सा रेडियो स्टेशन सुनना है, जैसे कि ये है internet-radio.com। चलिए यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पर मैं इंडिया डाल देती हूँ। ये देखिए, ये है karnatakradio.com, प्लैनेट रेडियो फन का एंटेना, रेडियो HSL, हिट्स ऑफ बॉलीवुड, ऐसे यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग इंडिया से रिलेटेड रेडियो स्टेशन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप चाहें तो आप यहाँ पर किसी भी रेडियो चैनल पर क्लिक करके और उसे आराम से सुन सकते हैं, जैसे कि ये है 104.2, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ये रेडियो चल गया। इसको मैं पॉज कर देती हूँ। इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कुछ डाउनलोड भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली ऑनलाइन स्ट्रीम करता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये वाला चैनल जो है 27 लोग सुन रहे हैं। पर इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं आपको कुछ ख़ास साइट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। फिर ये आई ट्यून इन एक्चुअली एक बहुत ही पॉपुलर साइट है। यहाँ पर आप चाहें तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं साइन अप के बटन पर क्लिक करके, और अगर आपको साइन अप नहीं भी करना तो भी आप बिना साइन अप किए यहाँ पर अलग अलग रेडियो स्टेशंस सुन सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इंडिया टाइप कर देती हूँ और देखते हैं कि कुछ आया या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे चैनल्स दिख जाएंगे जो लोगों ने खुद क्रिएट किए हैं। हो सकता है कि वो FM के चैनल्स ना हो, हो सकता है कि वो लोगों ने अपने खुद के रेडियो चैनल क्रिएट किए हों। आप चाहें तो आप उन्हें यहाँ पर सुन सकते हैं। फिर आए यहाँ पर रेडियो ट्यूना। यहाँ पर हम हिंदी टाइप कर लेते हैं, देखते हैं कुछ आता है।
ये देखिए रेडियो सिटी 24, तो इस प्रकार से बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर लोगों ने रेडियो स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है और आप उन्हें सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको अब एक ऐसी साइट के बारे में बताने वाली हूँ जो आप अपने पीसी से यूज़ कर सकते हैं इंडिया के एक्चुअल एफएम चैनल्स सुनने के लिए। ये देखिए, ये है वो साइट, इसका नाम है पॉज कर देती हूँ, इस साइट का नाम है onlineradios.in। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग रेडियो स्टेशंस दिख जाएंगे जो एक्चुअली प्रसारण करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, जैसे कि ये है रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीबीसी हिंदी, नीचे रेड एफएम है। आपको जो सा चैनल पसंद हो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और उसे प्ले कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग भाषाएं भी दिख जाएंगी, जैसे कि बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी वगैरह वगैरह। और यहाँ पर राइट साइड में आपको फ्रीक्वेंसीज दिख जाएंगी। अगर आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी से चैनल सिलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 93.5। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए, ये 93.5 रेड एफएम का पेज खुल गया और यहाँ पर ये देखिए, ये आपको एक चक्रा सा दिख रहा है, आप यहाँ पर इसका जो है प्रोफाइल देख सकते हैं। पॉज कर देती हूँ और हम रेड एफएम पर क्लिक कर देते हैं, बीच में ये आइकन आ जाएगा और ये जो है एक चक्रा सा घूम रहा है और अब हमारा ऑडियो स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका ऑडियो स्ट्रीम नहीं हो रहा तो ये है नो ऑडियो, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और इनका हेल्प का सेक्शन देख सकते हैं। अलग अलग ब्राउज़र के लिए उन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप अपने ऑडियो को कैसे एनेबल करें। चलिए मैं इसे बंद कर देती हूँ, मैं रेडियो सिटी पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर देखिए ये चक्रा सा घूम रहा है और ये गाना चल पड़ा। अगर आप इसे प्ले करना चाहते हैं तो ये प्ले के बटन पर एक बार क्लिक कर दीजिए और अगर आप इसे पॉज करना चाहते हैं तो उसे दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के बहुत सारे अलग अलग रेडियो स्टेशंस सुन सकते हैं, पर हर बार अगर आपको ये वाला URL टाइप नहीं करना तो आप अपने क्रोम ब्राउजर में एक एक्सटेंशन भी डाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए ये रहा हमारा क्रोम ब्राउजर, ये हम URL पर जाते हैं chrome.google.com/webstore, ये क्रोम का वेब स्टोर खुल गया और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं इंडिया रेडियो। मैं ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया रेडियो डाल दीजिए, अगर आप किसी और देश से हैं तो आप वहाँ का नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐप्स भी हैं और एक्सटेंशंस भी हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक्सटेंशन पर क्लिक कर देती हूँ और अब हम एंटर पर क्लिक करते हैं तो ये इंडियन रेडियो स्टेशंस का जो एक्सटेंशन है ये हमें दिख रहा है। आप चाहें तो आप इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउज़र के साथ जोड़ सकते हैं, ये रहा बटन, हम इधर क्लिक कर देते हैं और अब ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक किया तो ये जो एक्सटेंशन है ये हमारे क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो गई। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको ये अलर्ट आ रहा है, ये एक फ्लैग आ गया और ये बोल रहा है इंडियन रेडियो स्टेशंस हैज़ बीन एडेड टू क्रोम, यूज़ दिस एक्सटेंशन बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। तो ये हम इसे क्लोज कर देते हैं। अगली बार जब आपको गाना सुनना होगा तो आपको ब्राउज़र पर टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको URL भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर सीधा क्लिक करके और इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। ये देखिए ये एक डब्बा सा खुल गया और आप यहाँ पर सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा रेडियो चैनल सुनना है। चलिए ये रहा रेडियो सिटी, हम इधर क्लिक करके और इसे खोल लेते हैं, ये रेडियो सिटी का रेडियो चल पड़ा। चलिए मैंने इसे पॉज कर दिया। तो बहुत ही आसान है, आप ऑनलाइन रेडियो अपने PC से कभी भी सुन सकते हैं, इसमें आपको कोई भी खास सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो आप सीधा यहाँ पर ब्राउज़र में टाइप करके रेडियो सुन सकते हैं, नहीं तो आप क्रोम ब्राउज़र में अपना
एक्सटेंशन जो है डाल सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं। ये तो थी बात पीसी की। अब सीख लेते हैं कि मोबाइल से ऑनलाइन रेडियो कैसे सुनते हैं। यहाँ मैं सैमसंग नोट 4 का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो एक एंड्रॉयड फ़ोन है। ये देखिए, ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन। यहाँ पर मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है FM इंडिया। आप चाहें तो आप प्ले स्टोर से जाकर कोई भी रेडियो की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खास हिंदी गाने सुनना चाहते हैं तो ये FM इंडिया नाम की एक ऐप है, जिसमें इंडिया के बहुत सारे FM के स्टेशंस आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। ये हमने इधर क्लिक किया और अब ये ऐप खुल रही है। यहाँ पर देखिए, आपको बहुत सारे अलग अलग FM के चैनल्स दिख जाएंगे, जैसे कि ये है दिल्ली। अगर दिल्ली के सी ऑल पर क्लिक किया तो आपको दिल्ली के 5 FM के चैनल्स मिल जाएंगे। मेन्यू से बाहर आए, यहाँ पर नीचे देखिए और भी बहुत सारे अलग अलग शहर हैं, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। अगर आप चाहें तो आप हिंदी पर क्लिक करके हिंदी के सारे चैनल्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर FM चैनल के अलावा भी और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। चलिए इस मेन्यू से भी बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर है पंजाबी। पंजाबी के बहुत सारे आपको यहाँ पर रेडियो स्टेशंस दिख जाएंगे। मेन्यू से बाहर आए, इस प्रकार से आपको अलग अलग भाषाएं भी यहाँ पर दिख जाएंगी, जैसे कि तमिल है, तेलुगु, इंग्लिश, और यहाँ पर अलग अलग जॉनर्स भी हैं, जैसे कि मेडिटेशन है, फिर है कन्नड़ा और हैं गज़ल्स। तो इस प्रकार से आप जिस लैंग्वेज में फेमिलियर हैं, आपकी जो भाषा है, आप वो वाली भाषा यहाँ से सुन सकते हैं। यहाँ पर अरबिक भी है, अगर आपको अरबिक समझ आती है तो। तो इस प्रकार से आप कोई भी रेडियो स्टेशन यहाँ से सुन सकते हैं। ये देखिए, ये जो है रेड FM है, मैं इस पर क्लिक करके और इसे खोल के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए, ये FM का जो रेडियो है ये स्ट्रीम होना शुरू हो गया। इसे पॉज कर देती हूँ। देखिए, अगर आपको गाने को प्ले करना है या रेडियो को प्ले करना है तो आप इस बटन पर क्लिक कर दीजिए एक बार, तो रेडियो स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा। इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा। फिर ये जो बीच में गोला सा बना है, ये वॉल्यूम का बटन है। अगर आप इसे इस प्रकार से ऊपर लेकर जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, लेकिन अगर आपको इसकी आवाज़ बढ़ानी है तो आप यहाँ इस प्रकार से अपनी उंगली को टच करके उसे बढ़ा भी सकते हैं। और ये देखिए, ये सर्कल इधर आ गया तो इसकी वॉल्यूम बढ़ गई। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस स्पीड पर स्ट्रीम हो रहा है। फिलहाल ये 96 kbps की स्पीड इस स्टेशन की है और ये इसकी स्ट्रीमिंग का रेट है। और यहाँ पर 216 लोग इस समय इस चैनल को सुन रहे हैं। फिर अगर आप ऊपर ध्यान देंगे तो ये मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया हुआ है। ये जो चैनल है ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने इसे क्लिक किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे अनक्लिक कर सकते हैं और फिर ये चैनल डीसिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस हार्ट के आइकन पर क्लिक करते हैं तो जो मेन मेन्यू है उसमें आपका फेवरेट का चैनल, इसको बंद कर देती हूँ, तो ऊपर जो है आपका फेवरेट्स में ये वाला चैनल ऐड हो जाएगा। आपको जो चैनल पसंद है आप उसे फेवरेट्स में ऐड कर दीजिए और फिर आपको पूरे के पूरे मेन्यू में स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। वो आपके फेवरेट्स जो हैं यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि आप सीधा ही ऐप खोल करके उन्हें चला सकते हैं। एक दो बातें और बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ ऊपर, ये एक टाइमर सा है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको स्लीप टाइमर दिख रहा है। अब स्लीप टाइमर का क्या मतलब? देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से यहाँ पर 15 मिनट का स्लीप का टाइम है, यानी कि अगर आपके फ़ोन पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती तो फ़ोन या जो रेडियो है वो 15 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगा, वो स्लीप मोड में चले जाएगा।
अब इसकी क्या ज़रूरत। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हम इधर उधर घूम रहे होते हैं और हमारा फ़ोन जो है वो अपने आप चलते रहता है। अगर हमने रेडियो ऑन करके रखा है तो रेडियो चलते रहेगा, ऐसे में आपका डेटा और आपकी बैटरी दोनों जो हैं यूज़अप होती रहती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पर कोई टाइमर लगा दें, लेकिन मेरे हिसाब से ये टाइमर जो है लगभग आधे घंटे का ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये टाइमर जो है 30 मिनट का लगा दिया। आप चाहें तो आप यहाँ पर इसे बढ़ा या घटा सकते हैं, तो मैं इसे 30 मिनट्स का रख देती हूँ। और अब 30 मिनट तक अगर मेरे फ़ोन में कोई एक्टिविटी नहीं हुई या मैंने कुछ नहीं किया तो ये स्लीप टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा और ये जो ऐप है ये स्लीप मोड में चली जाएगी। चलिए अब आप सेट के बटन पर क्लिक कर लीजिए, तो ये हमारा स्लीप टाइमर एक्टिवेट हो गया। अब हम वापस जाते हैं और अब ये ऊपर कुछ बार्स बनी हैं, हम इधर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आप इस मेन्यू में अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जैसे है आपका फेवरेट्स, तो ये आपके फेवरेट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर यहाँ पर गए, ये है जॉनर्स, यहाँ पर अलग अलग जॉनर हैं, अलग अलग भाषाएं भी हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर गए होम में, यहाँ वापस मेन्यू में आए, इस जॉनर के मेन्यू को बंद कर देती हूँ। ये है गो एड्स फ्री, इसका क्या मतलब? देखिए ये जो ऐप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ फिलहाल ये इसका फ्री वर्जन है, लेकिन फ्री वर्जन में एड्स आती हैं। अगर आपको एड्स नहीं चाहिए, अगर आपको विज्ञापन नहीं देखने, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और इसका पेड वर्जन भी खरीद सकते हैं। ये देखिए एड्स फ्री फीचर जो है वो लगभग $1.24 का है, तो मेरे हिसाब से करीब 80-90 रुपये होगा। अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पर जोड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, आप बाय के बटन पर क्लिक करके एड्स फ्री फीचर को एनेबल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं फ्री वर्जन ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए मेन्यू से बाहर आ गए। वो बोल रहा है एरर परचेजिंग, वो तो मुझे पता ही है क्योंकि मैंने ये परचेज कैंसिल कर दी है। चलिए ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए उसने मुझे ऐड दिखानी शुरू कर दी, इसको बंद कर देते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप बस इस ऐप को इंस्टॉल करिए और आराम से अपनी भाषा में रेडियो सुन लीजिए। तो कोई भी इसे बस कुछ ही मिनट्स में इंस्टॉल करके और आराम से सुन सकता है। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस, स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने सीख लिया है कि ऑनलाइन पीसी या मोबाइल से रेडियो कैसे सुनते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशंस लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।